मैम, गुड आफ्टरनून। हाँ गुड गुड आफ्टरनून मैडम, आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चलिए अपना कल जो चल रहा था ना, एकदम जल्दी जल्दी बोली थी ना मैं, आप इसको ना फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सिक्स है ना, एक्सरसाइज नंबर 11.3 का क्वेश्चन नंबर सिक्स, कंस्ट्रक्शन का है। चलिए रीड कीजिए कोई भी। यस मैम, हाँ हाँ कीजिए कीजिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल एम एन ओ पी। ए रेक्टेंगल एंड एम एन ओ पी इन विच एम एन इज इक्वल 6 सेंटीमीटर एंड एन ओ इज इक्वल 8 सेंटीमीटर डिग्री। हाँ तो आपका क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट ए रेक्टेंगल एम एन ओ पी इन विच एम एन इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड एन ओ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, है ना? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एम एन 6 सेंटीमीटर का 9 सेगमेंट बनाएंगे। चलिए फटाफट कीजिए आप लोग। यस मैम, चलिए मैम 6 सेंटीमीटर का ना। 6 सेंटीमीटर, हाँ 6 सेंटीमीटर का 9 सेगमेंट बनाएंगे आप लोग। यस मैम, चलिए फास्ट हरिया। मैम हो गया, हो गया। हाँ यस मैम। उसके बाद में एट पॉइंट एंड ड्रॉ एन एक्स परपेंडिकुलर टू एम एन। मैंने आपको परपेंडिकुलर खींचना बताया था ना, बताया यस था कि मैम। नहीं? हाँ तो चलिए परपेंडिकुलर खींचिए, एम एन परपेंडिकुलर टू, हाँ एन एक्स परपेंडिकुलर टू एम एन। मैम हाँ मैम, इसका सॉल्यूशन आप भेज दिए थे ना? हाँ भेजा है बेटा, मैंने भेज दिया है। ओके मैम। हाँ परपेंडिकुलर बनाया आपने एन पॉइंट पर, पॉइंट एन पर आप परपेंडिकुलर बनाइए, यस मैम। एन एक्स परपेंडिकुलर टू एम एन, ठीक है? मैम वन सेकेंड। हाँ हाँ रुकिए बेटा, रुकिए नहीं करो, आज दो करेंगे अपन। हाँ दो कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना? चलो हो गया। यस मैम, यस यहाँ पे मैम। परपेंडिकुलर है ना, डिवाइडर को रखी मैं बताई थी ना। चलिए हो यस गया मैम, वन होगा, सेकंड। डाउट होने से पूछिएगा। हाँ अब उसके बाद क्या है, विथ एन एस सेंटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग एन एक्स एट पॉइंट ओ। हम क्या करेंगे, ये अपन का परपेंडिकुलर खींचा ना स्केल से, एन एक्स क्या है एकदम लंबा खींच दो, ठीक है? उसके बाद में क्या है, ये आपका एन ओ 8 सेंटीमीटर दिया है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, स्केल से आप डिवाइडर रखो स्केल के ऊपर, ठीक है? और इसको 8 सेंटीमीटर, ये देखो 8 सेंटीमीटर कहाँ है स्केल में, ये है दिखाई दिया, ये देखो 8 सेंटीमीटर पर मैंने रखा है। और उसके बाद ये डिवाइडर को कहाँ पर रखोगे, ये 0 पर कर दो, ठीक है? तो आपका ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ओके? ये देखो ये डिवाइडर में मैंने 8 सेंटीमीटर मेजर किया है ना अभी स्केल से। अब एन पर इसकी नोक को रख दीजिए और एक क्या है आर्क बनाइए, स्टेप से बनाओ। यस मैम, बनिया मैम। हाँ बोलिए मैम, आप जो रीड करवा रहे हैं मैम वो मैं रीड करूँ? बोलिए ना क्या डाउट है मैम। इसके बाद आप जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो उसको इंस्ट्रक्शन देख के करना है ना? हाँ तो मैं कंस्ट्रक्शन दूंगी ना, लिख के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगी, आप सिर्फ डायग्राम बनाइए उस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है? हो गया, हो गया। तो आपका जो एनएक्स जो वर्टिकल लाइन है ना आपने जो खींचा है उस पर आप 8 सेंटीमीटर का आप आर्क बनाए। यस मैम, बना लिए। तो यहाँ पे जो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ना वहां पर आप ओ पॉइंट डाल दीजिए, वो लिख लिया। हाँ उसके बाद एम एन ओ एस सेंटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये यहाँ पर एम पर और
सेंटीमीटर का अर्थ बनाना है, जो आप मेजर किए थे ना अभी डिवाइडर में, वही एक सेंटीमीटर आप एम, हाँ एम पर रखिए और एक और आर्क इस साइड इधर की साइड, हाँ यहाँ पे बनाओ, ये आपका एम पी आपका कितना दिया है 8 सेंटीमीटर ना, तो फिर ये इधर की साइड में यहाँ पे आप आर्क फिर बनाओ, ये मेजर किया हुआ है ना तो इजी रहेगा, ये इधर आर्क बनाइए, यस मैम बना लिए। हाँ सिमिलरली ओ पर भी देखिए, ओ पर कितना दिया है एन ओ आपका, नहीं नहीं 8 सेंटीमीटर ये दिया है, और एम एन, एम एन कहाँ है, ये आपका ये 6 सेंटीमीटर दिया है ना, तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ तो आप ना डिवाइडर को स्केल पर रखिए और 6 सेंटीमीटर मेजर कीजिए। मैम कर लिए, कर लिए, वाह वेरी गुड। हाँ देखिए ये हो गया, अब यहाँ पर ओ पर रखिए, ओ पर रखिए, यस मैम रख लिए, ऊपर रख के फिर वो जो आग अपन ने किए थे ना वैसे इसको कट कीजिए, इंटरसेक्ट कर रहा है ना पहले वाले आग को, यहाँ पे आप 3 पॉइंट दीजिए, यस मैम। फिर पी आपने लिखा, यस मैम लिख लिए, हाँ अब इसके से आप मिला दीजिए जॉइन पी टू ओ एंड पी टू एम, यस मैम को ओ से मिला दो और पी को एम से भी मिला दीजिए, हो गया, यस मैम हो गया, हाँ तो यही आपका रेक्टेंगल बन गया, कंस्ट्रक्शन हो गया एम एन ओ पी, ठीक है। चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन रीड करते हैं, हाँ नंबर वन पॉइंट, ड्रॉ लाइन सेगमेंट एम एन इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, हमने 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाया, नंबर टू एट पॉइंट एन ड्रॉ एन एक्स परपेंडिकुलर टू एम एन, ठीक है हमने एन पर परपेंडिकुलर बनाया, क्या परपेंडिकुलर एन एक्स, ठीक है एन एक्स परपेंडिकुलर टू एम एन, ओके। हाँ पॉइंट थ्री है, विथ एन एस सेंटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग एन एक्स एट पॉइंट ओ, ठीक है हमने क्या किया था, क्या किया था, एन पर अपन ने जो परपेंडिकुलर खींचा था वर्टिकल वहीं पर हमने 8 सेंटीमीटर का आर्क बनाया है, और ये जो और ये एन एक्स और आर्क ये कहाँ पे ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ओ नाम दे दिए, उसके बाद देखिए एम एंड ओ नंबर 4 पॉइंट है, एम एंड ओ एस सेंटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर Each draw arcs intersecting at point P. हमने क्या किए थे, N पर डिवाइडर की नोक रख के हमने आर्क बनाया इधर इस डायरेक्शन में, और O पर रखकर फिर एक और आर्क बनाया, ये 6 सेंटीमीटर का है और ये 8 सेंटीमीटर का, दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 ज्वाइन M एंड PO, है ना, हम क्या किए ज्वाइन P को O से मिला दिया और P को M से मिला दिया, दिखाई दे रहा आप देखिएगा, लो M N O P ये क्या है आपका, क्या है रेक्टेंगल बन गया, therefore M N O P is the required rectangle, ठीक है कंस्ट्रक्शन हो गया अपना रेक्टेंगल का, क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट है, चलिए हाँ चलिए अब आगे का करते हैं, चलिए पेज नंबर 150 में ही एग्जांपल नंबर 7 मिला, यस मैम, चलिए क्वेश्चन है रीड कीजिए, यस मैम मैं कर रही हूँ, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच एबी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सीडी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच एबी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सीडी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अपन सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, चलिए 3.6 सेंटीमीटर मेजर कीजिए और एक लाइन सेगमेंट बनाइए AB, ड्रॉ कीजिए मेरे साथ सर, ये आप क्या करोगे, कितना सेंटीमीटर, 3.6
एपी इज इक्वल टू 3.6 दिया है ना ये क्वेश्चन में, है ना। जब आपके तीन साइड ए बी बी सी सी डी, ये तीन साइड आपका दिया रहेगा और आपके दो एंगल दिए हो, उस समय हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे वो अपन आज देख लेंगे, ठीक है। तो आपने 3.6 सेंटीमीटर ए बी लाइन सेगमेंट बनाया। यस मैम। चलिए बनाइए। बन गया? यस मैम। हाँ, टेकिंग बी ए सेंटर एंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ पे बी पॉइंट पे आप 60 डिग्री एंगल बनाइए और आप क्या की जो लाइन खींचेंगे रे जो की बनेगा ना बी एक्स, ये कितना है बी एक्स नाम दीजिए और वहां पे 60 डिग्री एंगल बनाइए। बन गया? यस मैम। हाँ चलिए, उसके बाद है नंबर थ्री पॉइंट है, टेकिंग बी एज सेंटर एंड ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कट एन आर्क ऑन रे बी एक्स एंड मार्क इट एज सी, है ना। जो अपना रे बना है ना बी एक्स, इस पर क्या करना है आपको 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है, ठीक है। ये क्या है रे बी एक्स है ना, ये बी एक्स है, इस पर आप 4 सेंटीमीटर मेजर कीजिए, ठीक है। मेजर कीजिए कितना 4 सेंटीमीटर, मैम हो गया 4 सेंटीमीटर आप मेजर कीजिए और यहाँ पर बी पर रखिए और इस प्रकार से आप आर्क बनाइए। देखिए मेरे साथ साथ ये ऐसा आर्क बना, ये आर्क बन रहा है इधर बनाना और यहाँ पे आप पॉइंट सी लिख लो, यहाँ पर आपका सी हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है, टेकिंग सी ए सेंटर ड्रॉ एंगल बी सी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका जो एंगल सी दिया है ना 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया है ना, तो अब सी पर हमको 90 डिग्री एंगल बनाना है। या तो आप प्रोट्रैक्टर से आप 90 डिग्री बनाइए या फिर एक आप एक परपेंडिकुलर बनाइए। मैं आपको परपेंडिकुलर सिखाई थी ना बनाना, बनाई थी सिखाई थी कि नहीं, ऐसा करके बताई थी ना, ऐसा करके रखिए आप। हाँ बिल्कुल वैसे ही बनाइए। देखिए कॉपी को आप ऐसा घुमा दीजिए, आपको परपेंडिकुलर बनाना है ना, यहाँ पर आप रखिए ये एक छोटा सबसे मिनिमम वाला, आप ये वाला इसको ऐसा बनाइए। देखिए पहले आप, हाँ बोलिए बोलो, बनाते जाओ जल्दी जल्दी। ये देखिए आप ऐसा वाला करोगे, आप सर्कल बनाए उसके बाद में यहाँ पर रख के एक कट लगाइए और फिर इधर इस और रख के फिर दूसरा कट लगाइए, फिर ये दोनों जो आर्क बना है इधर कीजिए और यहाँ भी आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है और इसको सीधा से मिला लीजिए, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर बना है जिसे हम 90 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका सी वाई बना, सी वाई इसको सीधा रख देते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से? यस मैम। सी पर हमने ये परपेंडिकुलर बनाया सी वाई, ओके। Yes, बना yes, बन गया? हाँ। अब देखिए आपका ये C के साथ में यहाँ पे D पॉइंट आएगा, तो ये आपका सी डी कितना दिया है 4.5 क्वेश्चन में दिया है ना, yes, CD equals 4.5 सेंटीमीटर, तो आप मेजर कीजिए 4.5 सेंटीमीटर डिवाइडर से। आए? मैं तभी बोली हूँ आपका बन भी गया, चलिए सभी लोगों को बनाने दो आपको सबको बेटा। चलिए 4.5 सेंटीमीटर मेजर कीजिए, 4.5 यस मैम हो गया, सबको बनाने दो बेटा। ओके यस मैम हो गया। ये आपका 4.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आप सी पर रखिए
और फिर आर्क बनाइए ऐसा सीवाई पर, आर्क बन गया। यस मैम बन गया। हाँ बन गया। अब आप क्या करोगे, सी को डी से मिला दीजिए, ए सॉरी ये आपका तो आर्क बन गया तो कट हो गया, यहाँ पे डी पॉइंट लिख लो, ठीक है मैम लिख ले। हाँ अब आपके क्या है, तीनों साइड मिल गए ना, ए बी आपका 3.6 है, बी सी आपका 4 सेंटीमीटर है, सी डी आपका 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका जो सी एस सी वाई था उस पर हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाकर डी पॉइंट लिख लिया। उसके बाद है जॉइन सी, नहीं सॉरी डी ए, इसको आप जॉइन कर लो, डी को ए से मिला दीजिए, स्केल से मिला दिया क्योंकि ये डिस्टेंस आपका नहीं दिया था। आपका तीन साइड ए बी बी सी और सी डी, ये आपका तीन साइड दिया था और दो एंगल दिए थे, एंगल बी और एंगल सी। आपकी सब मेजर हो गए, बन गया साहब। यस मैम। आपने इसे मिला दिया, इस प्रकार से आपका ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर बन गया, ठीक है। Yes, आ गया। हाँ चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। नंबर वन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, हो गया मैम। हाँ सेकंड पॉइंट है, टेकिंग बी एज सेंटर एंड एंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, हमने यहाँ पे बी पर 60 डिग्री एंगल का हमने बनाया बना लिया था। नंबर थ्री, टेकिंग बी एज सेंटर एंड ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कट ऑन एन आर्क ऑन रे बी एक्स एंड रे, रे आपका बी एक्स है ऐसा, हाँ डायरेक्शन ये बी एक्स एंड मार्क इट एस सी, है ना। हमने क्या किया था, ये 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, ये आर्क बनाया था, ठीक है। ए बी आपका 3.6 सेंटीमीटर है, एंगल बी हमने 60 डिग्री बनाया, और जो ये आपका बी एक्स है इस पर हमने 4 सेंटीमीटर का क्या किया, आर्क कट, आर्क बनाया, बनाया कि नहीं, और वहीं पे yes, आपने पॉइंट सी दिया, ठीक है। अब देखिए अगेन टेकिंग सी एज सेंटर एंड ऑफ रेडियस, नहीं नहीं इसके पहले और, टेकिंग पॉइंट फोर, टेकिंग सी एज सेंटर ड्रॉ एंगल बी सी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब आपका पॉइंट सी मिल जाता है तो सी पर ही क्या हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर बनाया, या ना अपन बोल सकते हैं 90 डिग्री एंगल का हमने बनाया सी वाई, बन गया। अब उसके बाद में हमने क्या किया था, नंबर फाइव, अगेन टेकिंग सी एज सेंटर एंड ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर कट एंड आर्क ऑन रे सी वाई एंड मार्क इट एज सी। चुप रहिए और सुनिए ध्यान से, आप क्या किए, ये पॉइंट सी पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर बनाया था सी वाई, इस पर हमने क्या किया था, सी पर ये डिवाइडर की नोक रख के हमने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाया है, और जो इंटरसेक्ट करता है वहां पे हमने पॉइंट डी रखा, फिर उसके बाद क्या है, जॉइन डी टू ए, हमने डी को ए से जॉइन कर दिया, ठीक है। देयरफॉर ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया था, 3.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाया, बी पर हमने 60 डिग्री एंगल बनाया, और आपकी जो रे है क्या है, बी एक्स है, और इस पर हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाकर पॉइंट सी नाम दिया, और सी पर हमने क्या किया, 90 डिग्री एंगल या परपेंडिकुलर सी वाई बनाया, इस पर हमने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाया, और ये पॉइंट डी दिया, हमने क्या किया, डी को ए से ज्वाइन कर दिया। इस प्रकार से ए बी सी डी क्या है, आपका क्वाड्रिलेटर बन गया, ठीक है। चलिए मैं आपको ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हाट्सएप में भेज दूंगी, उससे आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, नो मैम, डाउट है बेटा को, ओके बेटा, चलिए क्लासेस ओवर। यस मैम। ओके।